अच्छा देखिए, आप लोगों का जो जो CPR जो यूजुअली ABC प्रोटोकॉल है, एयरवे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, अभी हम लोग जो CPR का टेक्निक दिखाते हैं, तो दिस इज द हैंड ओनली CPR, ठीक है। उस पर बेसिकली क्या सिचुएशन है, तो आपको ये डिवाइस, दिस इज कॉल्ड द अम्बू बैग, ठीक है। सो ये अम्बू बैग के हिसाब से आपको ABC एयरवे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन ये सब देना पड़ता था अभी, बट वो करने के लिए टाइम लगता है, हायर सोफिस्टिकेटेड आपको टेक्निक्स प्रैक्टिस ये सब लगता था। अभी जो प्रोटोकॉल है, दिस इज कॉल्ड द हैंड ओनली CPR, वेरी सिंपल प्रोटोकॉल। मतलब है आपका यहाँ इसके अंदर हार्ट इस सिचुएशन पे है, हार्ट किसी का आइदर बंद हो गया है, दिस इज कॉल्ड द असिस्टोल। अगर किसी का हार्ट इतना जोर से चलने लगता है कि इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, सो दिस इज यूजुअली वी कॉल्ड इट द फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। हार्ट बंद हो जाए पता कैसे लगेगा, पल्स नहीं मिलेगा, पल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा हार्ट, तो दैट्स व्हाई अगर हम लोगों को दोनों ही का ही ट्रीटमेंट है, आपको बाहर से इफेक्टिवली हार्ट को पंप करना है, ठीक है। सो हार्ट रिलेटेड तो दो कंफ्यूजिंग टर्म्स आप लोगों को ज्यादातर सुनने के लिए मिलेगा, एक है हार्ट अटैक, टैग, हाँ, और एक है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली ये चीज नहीं है, हार्ट अटैक मीन्स हार्ट के अंदर जो वेसल्स था वहां पर ब्लॉक हो गया, दिस इज हार्ट अटैक, लेयर जम गया, और दिस इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो गड़बड़ हो गया, आइदर वो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली कितना बीट्स होता है हार्ट का, 72 रेंज के हिसाब से 60-100 हम लोग नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। अगर 60 से कम हो गए, यूजुअली 60 से अगर कम होकर 55-56 होता है तो हम लोग ज्यादा वरीड नहीं होते हैं, समटाइम्स हो भी सकता है। अगर 40 हो गया है तो वे डेफिनेटली उसको इंजेक्शन देके उसको हार्ट रेट बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। और जिसको अगर हार्ट रेट 100 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 110-120, आप थोड़ा सा दौड़ भाग करके आए या तो एग्जाम के पहले टेंशन हो रहा है, तब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, यूजुअली वी कॉल इट एज द साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है। बट किसी का अगर 180 हो गया है, सो दैट इज डेफिनेटली अबनॉर्मल, ठीक है। क्या होता है, एक नॉर्मल आप इंजीनियरिंग इससे सोचिए, एक पंप है, पंप कम जो पंप करेगा तब भी आपको इफेक्टिव आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर इतना जोर से पंप करने लगता है तो एक सेकेंड में जितना उसको प्रेशर बनना था वो नहीं बन पाएगा, वी कॉल इट द स्ट्रोक वैल्यू, हार्ट का स्ट्रोक वैल्यू कम हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा बाहर से, अगर मैं यहाँ से बाहर से प्रेशर देता हूँ तो वो उसका जो अंदर से जो पंप हो रहा था उसको ओवरकम करके बाहर का फिजिकल प्रेशर से वो दाबता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, तो इफेक्टिवली हार्ट के अंदर से ब्लड पंप होकर एटलीस्ट ब्रेन तक आएगा। कभी भी कार्डियक अरेस्ट या तो एट्रियल फिब्रिलेशन इस सिचुएशन पे जो हम लोगों का टारगेट रहता है, जब तक इमरजेंसी सपोर्ट ना आ जाए एज ए फर्स्ट एड, हार्ट को दवा के मतलब जोर जार करके दवा के उसको चालू रखना है, जैसे कि जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट इटसेल्फ, उनको खाना मीन्स उसके साथ ऑक्सीजन खाना ये सब मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पर हार्ट का पूरा रीब केजेस है, तो यहाँ से एब्डोमेन शुरू होता है, ये जो है दिस इज द आपका लास्ट रीब का आपका बॉर्डर सभी को दिखता है, तो ये जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है स्टार्नम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी आप बैठेंगे तो ऑलवेज नील डाउन सिचुएशन पे दो हाथ से एक आप हील यहाँ पर दीजिए और एक ऊपर दीजिए, ठीक है। और आप मुंह से गिनते भी रहिए, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, मैं यहां से बेंड नहीं हो रहा है कि इतना ये या तो ये नहीं, ऑल द प्रेशर ऑफ माई फ्रॉम हेयर टू हेयर वहां पर जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और 1-2-3 यूजुअली स्टेइंग अलाइव, एक है हिंदी वाला जो गाना है उसको भी हम लोग यूज करते थे, 32 यूजुअली इसका जो रेट है आपको 100-120 पर मिनट, ठीक है। मतलब एक मिनट पे डबल स्पीड पे आपको गिनना है, 1-2-3-4 नॉर्मल स्पीड से नहीं, ठीक है। एक सेकंड में दो बार, एक सेकंड में आपको दो तक गिनना है मिनिमम, उससे ज्यादा 1-2-3 1-2-3 एटलीस्ट, मतलब 1-2-3-4-5-6-7-8 ये करके गिनते जाइए, मतलब 1-2-3 दिस इज 1 सेकंड पे एक गिन रहे हैं, सो 1-2-3 अगर आप कंटिन्यूअसली गिनते जाएंगे ना तो इट विल ऑटोमेटिकली आपका 100 के आसपास हो जाता है, 60 सेकंड में सर वो 100 क्रॉस करना चाहिए। मैंने क्या कहा था, आपका हार्ट का रेट है 60-100, सो मैं बाहर से प्रेशर देके इसको 100 बार कंप्रेस कर रहा हूँ, जब मैं इसको छोड़ूंगा वो डायलेट हो रहा है, तो कंप्रेस डायलेट ये हो रहा है। अब दूसरा स्ट्रेटेजी है, ये आपको करते जाना है,
जब तक आप कर पाएंगे। कुछ लोगों को डर रहता है कि अगर मैं करते करते छोड़ दिया मर जाएगा, अगर आप नहीं करते तो ऑलरेडी वो मरा है। सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सभी जगह का ये है। सो दिस इज बी कंसिडर्ड एज ए गुड समारिटन वैल्यू। गुड समारिटन मतलब आप उसको बचुसली देखेंगे, 5-10 मिनट के बाद आप थक जाएंगे। अचानक वो धीरे धीरे करके गिर गया। दो चीज हम लोग देखते हैं, एक है जब गिर जाता है आपका नाम क्या है, बोलिए नाम क्या है। अब तो वो अच्छा मैं कहां पर हूँ, वो कुछ कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, पूरा बेहोश नहीं हुआ है, दिस इज ए फेंटिंग, फेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस समय उसका अगर आप प्रेशर पल्स देखेंगे, आप उनका पल्स क्लियरली आपको पल्स दिखेगा, सांस भी चल रहा है, तब ये नहीं देना है। एक व्यक्ति पूरा गिर गया है, आप बोल रहे हैं क्या है नाम है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड द अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अनकॉन्शियसनेस। उसके बाद आपका पाल्स में देखा, पाल्स आपको लग रहा है कि सर घोड़े के मतलब घोड़े से बहुत तेज से दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, शायद है कि नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द पाल्स। मतलब उसका पाल्स आइदर कितना तेज कापेगा आप उसको अच्छी ठीक तरह से समझ ही नहीं पाएंगे, या तो बद हो जाएगा, दैट इज असिस्टो, दोनों तरीके से हो सकता है, सांस भी नहीं चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द अनरेस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस। सांस नहीं चलेगा, सांस भी नहीं हो भी सकता है, बट इतना कम आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पाल्स जिस तरह करेंगे ना, सांस को यूजुअली देखने के लिए इसका लेवल पे आकर देखना पड़ता है कि चेस्ट उठ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इज अनकॉन्शियस। वो कुछ भी ना कुछ आवाज कर रहा है, ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, ना कुछ कह रहे हैं, पूरा बेहोश। इस प्रोसेस को सर हम हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट अटैक पे यूजुअली हार्ट अटैक का एंड स्टेज पे इस तरह सिचुएशन आ सकते हैं, इनिशियल हार्ट अटैक पे इस तरह होगा नहीं, एंड पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ है, दर्द हो रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, करते करते पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं, एट द एंड जब हार्ट को मिल नहीं रहा है, खाना वगैरह मिल नहीं रहा है, एंड पे जब हार्ट मतलब उसको गिव अप कर देगा कि नहीं मुझसे आज नहीं होगा, तब जाकर अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट होगा। सो हार्ट अटैक पेशेंट का भी वेरी लेटर स्टेज पे आफ्टर हार्ट अटैक का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आफ्टर 1-2 आवर्स कार्डियक अरेस्ट पे चला जाएगा, फिर उस प्रोसेस में फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द एंड प्रोसेस, अगर ये नहीं करेंगे तो मरा हुआ है, ये करके आप उसको आर्टिफिशियली बचाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ गए, अगर आप ये नहीं देंगे इज डेड। तो हार्ट अटैक अगर उसको चल रहा है मतलब उसको मतलब वो भाग दौड़ उस कंडीशन में भी उसको ये सीपीआर देना स्टार्ट, उसका पैर यहाँ से पूरा काट गया है, इधर से काट गया है एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट से, तो भी आपको ये सीपीआर देना है, व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, इट इज द एंड प्रोसेस। हार्ट चल नहीं रहा है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, आप आर्टिफिशियली सिर्फ हार्ट को चला के उसका ब्रेन को एक्टिवेट, ब्रेन तक एयर मतलब ये हुआ ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, मैसेज उसको, दैट इज योर द फाइनल एंड। अगर आप नहीं करेंगे तो 20 मिनट्स वो डाई हो जाएगा। सर ब्रेन हेमरेज भी इसको बोलते हैं ना? नहीं, ब्रेन हेमरेज से ब्रेन के अंदर हेमरेज होता है। ठीक है सर, ये माउथ टू माउथ जो दिया जाता है वो अभी ये इसको यूज प्रैक्टिस नहीं होता है, कब होता है, आपके पास सफिशियंट मैन पावर है, दो आपके पास ट्रेन मैन पावर है, तब माउथ टू माउथ दिया जाता था, अभी हम लोग माउथ टू माउथ के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका एक तो है कल्चरल कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके साथ इन्फेक्शन आने का संभावना है, और सबसे ज्यादा दिखा गया है माउथ टू माउथ देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। क्यों मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी मैं ये करता हूँ यहाँ पर प्रेशर देने के कारण ऑटोमेटिकली एयर भी निकलता है, और जब मैं रिलैक्स कर देता हूँ ऑटोमेटिकली एयर इसके अंदर ही आ जाएगा, तो अदर माउथ टू माउथ देने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो ये बहुत साल का रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग माउथ टू माउथ को अभी हम लोग अगर नहीं भी देते हैं ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हार्ट बीट और पल्स में भी कोई डिफरेंस है? नहीं, कुछ भी नहीं है, हार्ट बीट एंड पल्स इज द सेम। बच्चों के केस में सर? बच्चों का केस में भी एक ही है, सेम टू सेम, बट हम लोग सिर्फ यूजुअली यहाँ पर 5-6 सेंटीमीटर दबाते हैं, वहाँ उन पर थोड़ा सा कम दबाते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। सर लेकिन जो बच्चों का जो हार्ट अटैक होता है वो तो सर 108 तक होता है ना? 108 क्या? वो हार्ट बीट जो पल्स होता है बच्चे का? हाँ सर, हार्ट बीट 20-30 बच्चे का नॉर्मल है, 120। तो सर उसको हमें कितना प्रेस करना पड़ेगा वैसे? अच्छा, वही प्रेस करते हैं यूजुअली, अगर बहुत छोटा बच्चा है, दो साल का बच्चा है यूजुअली, अगर महीनों का बच्चा है
तो यूजुअली हम लोग दो उंगली से ही प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। बट सर अगर वो अनकॉन्शियस हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बट सांस ठीक ले रहा है, तो कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। एडी का यूज का प्रिंसिपल है कि मेरे पास हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गया है, या तो इराटिक वे से वो काम कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर वे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन जो प्रोसीड्योर्स है, मतलब जो एक एनालॉजी हम दे सकते हैं, कोई मशीन जब काम नहीं करता है क्या करते हैं, बाहर से थोड़ा सा हिलाते हैं ना, हाँ उसको ठोकते हैं बाहर से। तो यहाँ पर भी जब नहीं होता है तो बाहर से थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसको दे दो, शायद वो झटके से ठीक हो जाएगा, समझ गए। उसको बाहर से उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देना है, और दिखा गया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देने से ज्यादातर सिचुएशन पे उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सिमुलेटर है, मैं पहले सिमुलेटर को दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी दो पैड है, यहाँ पर एक पैड को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, एक पैड यहाँ पर, देखिए पिक्चर्स के साथ दिया हुआ, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैड को लगा देना है और डिवाइस को ऑन करना है, ठीक है, उसके बाद बाकी काम वही करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब वो शॉक देगा आपको बता देगा कि डोंट टच मत करिए, वो खुद ही इसके अंदर ईसीजी भी हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा, एनालिसिस होने के बाद वो एक शॉक देगा, शॉक देने के बाद आप फिर से स्टार्ट करिए। अगर शॉक देने के कारण उसका अगर पल्स आ गया है तो आप देखेंगे कुछ देर बाद तो आंख भी खोलना शुरू किया है, खांसी ये आ रहा है, या तो कुछ मॉर्निंग टाइप का कुछ नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड, कुछ वर्ड ये करना शुरू किया, मीन्स यू हैव सक्सेसफुली रिकवर द पेशेंट। अगर मान लीजिए पहले एक शॉक देने पे नहीं हुआ तो फिर से वो दो मिनट बाद फिर से एनालाइज करेगा, फिर से वो शॉक देगा, ऑटोमेटिकली देगा, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पैड अटैच करके रखना है, सिर्फ जब शॉक वो देगा तब इसको टच नहीं करना है, तो शॉक आपको भी लग जाएगा। नहीं सर, वो